गुड मॉर्निंग जनरल मैम, आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। क्या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया क्या कोई पॉजिटिव पॉइंट भी है या सिर्फ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। या ये टॉपिक आपके पास जीडी में आ सकता है, लेक्चरेट में तो नहीं आएगा। लेक्चरेट में आएगा तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आएगा बस। तो अलग से मैं प्राइवेटाइजेशन की एक वीडियो बना दूंगा, जो आप सब देख लेना कि कैसे कैसे बोल सकते हो आप 3 मिनट के लिए। सो अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। बैकग्राउंड ये है, जून 2017 को जो रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग टू प्राइवेटाइज द गवर्नमेंट ओन्ड एयर इंडिया। अब ऐसा क्या जरूरत पड़गी कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की जरूरत, ऐसी क्या पड़गी कि इसे प्राइवेटाइज करना पड़ा, ऐसी क्या चीजें हो चुकी थी कि एयर इंडिया को अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप डिस्कस करोगे जीडी में तो आपसे ज्यादा पॉइंट आएंगे। सो पहला रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, वो ये था, जो एयर इंडिया था वो फेस कर रहा था बहुत लॉसेस, और वो जो डेली लॉस जो फेस कर रहा था वो करता 20 से लेकर 26 करोड़ रुपीज डेली, जो एस्टिमेट निकला है। और दूसरा, अगर मैं इसका ओवरऑल एस्टिमेट की बात करूं कि जो नेट लॉस हुआ था इनको 2018 टू 2019, इट इज अराउंड 8,556 करोड़ रुपीज। इतने रुपए का इन्हें लॉस हो गया था। तो इसको कवर अप करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर दें। अगर मैं बात करूं टोटल जो उधार एयर इंडिया को चुकाना है, इट इज अबाउट 80,000 करोड़ रुपीज। तो ये था रीजन जिसके कारण एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए सोचा था। सो अगर हम मूव ऑन करूं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया इज गुड और बैड, तो मैं अगर गुड की बात करूं तो हाँ, ये गुड है, क्योंकि जो उधार चुकाना था एयर इंडिया को रिड्यूस होगा प्राइवेटाइजेशन करने के बाद। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन विल इंक्रीज द कॉम्पिटिशन। एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करता है, एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी इंप्रूव्ड। अब वो कैसे होता है, क्या चीज होती है ऐसे कि प्राइवेटाइजेशन से ये सारी चीजें, ये कॉम्पिटिशन, ये क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, वो कैसे होती है? जो मैनेजर्स होते हैं या जो ऑफिशियल होते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी की में, उनकी जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। बट अगर मैं दूसरे हाथ बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, तो वहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। वहां क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वहां कुछ ग्रोथ नहीं आती। तो इसलिए अगर हम किसी चीज को प्राइवेटाइज करते हैं तो वहां कॉम्पिटिशन इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं, तीसरा क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। क्योंकि आप सबको पता है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो डिसीजन होते हैं या परफॉर्मेंस होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है पॉलिटिकल इश्यूज के कारण या पॉलिटिकल लीडर्स जो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पर अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो वहां तो कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होते, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, वहां एक इंडिविजुअल के आइडियाज होते हैं या एक पूरी कंपनी आपस में डिसाइड करती है, और डिसाइड करके वो सोचते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए या हम इसको कैसे करेंगे। तो ये सब तो हो गए पॉजिटिव साइड प्राइवेटाइजेशन के, पर एज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑल्सो। तो नेगेटिव साइड क्या है इसकी, तो नेगेटिव साइड ये होती है कि जब हम किसी भी चीज को प्राइवेटाइज करते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन में आपने ये देखा होगी कोई भी प्राइवेट कंपनी है उनके पास कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती। वहां कोई ऐसा नहीं होता कि उन्होंने रिजर्व सीट रखी है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, एसटी ओबीसी, इनके लिए कुछ नहीं होती। कारण क्या होता है, जॉब लॉसेस होते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी रिजर्वेशन क्राइटेरियाज के ऊपर। दूसरा क्या होता है, देखो किसी भी कंपनी को ग्रांट कर दोगे आप ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, वो कंपनी जो अपने डिसीजन खुद ले सके, जहां किसी भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट एक और स्टेप ले सकती थी कि वो प्राइवेटाइजेशन ना करे और ऑटोनॉमस बॉडी बना दे इसको, जिसमें जो एयर इंडिया है, जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, वही साथ मिलकर अपना डिसीजन ले और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करें। वो भी अच्छा है, क्योंकि हमें देखा गया है कि जो गवर्नमेंट जब कंट्रोल होता है तो किसी भी कंपनी में वहां ड्रॉबैक्स ही होते हैं। तो ये तो मैंने आज डिस्कस कर दिया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, तो ऐसे आप डिस्कस कर सकते हो। तो लास्ट में अपना कंक्लूजन भी दे सकते हो। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या दोगे, कंक्लूजन यही तो दोगे कि प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारे फायदे हैं। क्या है, डेप्थ बर्डन रिड्यूस होता है,
दूसरा क्या होता है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है, तीसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल सेट होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट नहीं होते, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट होते हैं। और अगर थोड़ा नेगेटिव साइड देखूंगा तो भाई इसके नुकसान भी हैं, जॉब्स लॉस होती हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो कि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपस अपने पॉइंट दो और मिलके आपस में डिस्कस करो और देन रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट करना आपका क्या राय है इसमें, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू जेंटलमैन एंड गॉड ब्लेस यू।